न्यू दिल्ली। यह भारत के राजधानी है। यह यमुना नदी पर स्थित है। दिल्ली में भारत के कोने कोने से ही नहीं विदेश से भी लोग घूमने आते हैं। दिल्ली में बहुत से प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक से लेकर बहुत से प्रकृति चीजें देखने को मिल जाएगी। आइए जानते हैं दिल्ली में घूमने वाली जगह कौन कौन सी है। अब अगली जगह है लाल किला। यहाँ दिल्ली के सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है। इस किले को बलुआ पत्थर से बनाया गया है, इसलिए इसके दीवारों के लाल लाल रंग के कारण इसे लाल किला कहा जाता है। यह लाल किला दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इस किले में जाने के लिए भारतीय और विदेशी लोगों से अलग अलग टिकट का शुल्क किया जाता है। यह वही किला है जहां पर 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। यह किला इतना बड़ा है कि अगर आप इस किले को अच्छी तरह से घूमना चाहेंगे तो आपको लगभग 3 घंटे का समय लग सकता है। अब अगली जगह है जंतर मंतर। जंतर मंतर दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसका निर्माण जयपुर के राजा जयसिंह ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। यह एक खगोलीय वेधशाला है जहां पर आपको खगोलीय पिंडों की स्थिति को मापने से जुड़ी उपकरण देखने के लिए मिल जाएगा। इस परिसर में जाने के लिए प्रवेश शुल्क लिया जाता है। अब अगली जगह है लौह स्तंभ। यह लौह स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट महरौली में स्थित है। यह लौह स्तंभ 5वीं शताब्दी की बताई जाती है। अगर आप ऐतिहासिक चीजें देखने में रुचि रखते हैं तो आप इस जगह पर जा सकते हैं। अब अगली जगह है बड़ा गुंबद। बड़ा गुंबद नई दिल्ली के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा गुंबद देखने को मिल जाएगी और इसके आसपास एक सुंदर सा बगीचा बनाया गया है। इस गुंबद के अंदर सिकंदर लोधी की कब्रें हैं। यह जगह लोधी गार्डन के अंदर स्थित है। अब अगली जगह है इंडिया गेट। इंडिया गेट दिल्ली में घूमने वाली सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। यह दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बनाया गया है। यह गेट एक सामान्य गेट की तरह दिखता है लेकिन लगभग 42 मीटर ऊंचा और विशाल है। यह गेट इतना मनमोहक बनाया गया है कि यहाँ पर लोग आते हैं, तस्वीरें खींचने लग जाते हैं। यह गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया है। अब अगली जगह है कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस भारत का सबसे बड़ा बाजार है। अगर आप कमर्शियल फाइनेंशियल और इलेक्ट्रिक वस्तुएं लेना चाहते हैं तो आप दिल्ली के मध्य भाग में स्थित कनॉट प्लेस जा सकते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग हब है। अब अगली जगह है ओखला पक्षी अभयारण्य। यह गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना नदी पर स्थित एक पक्षी अभयारण्य है जहां पर आपको लगभग 300 से अधिक प्रकार की पक्षियों के जाति दिखाई देगी। यह अभयारण्य 3.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें जाने का शुल्क 30 रुपए प्रति व्यक्ति है। अब अगली जगह है कमल मंदिर। लोटस टेंपल नई दिल्ली के मुख्य आकर्षणों में से एक है। इस मंदिर को कमल के फूल जैसा आकार में बनाया गया है जो कि बाहर से देखने पर बहुत ही आकर्षक दिखती है। यह एक पूजा पाठ करने वाली मंदिर नहीं है बल्कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा हॉल है जहां पर बहुत शांति महसूस होगी। इस मंदिर के आसपास आपको बड़ा सा बगीचा भी देखने को मिल जाएगी। इस मंदिर में जाने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अब अगली जगह है राष्ट्रपति भवन। यह भारत सरकार के तरफ से भारत के राष्ट्रपति के रहने के लिए एक बहुत बड़ा सरकारी आवास है। यह भवन 320 एकड़ में फैला है। अगर आप यहां जाते हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब अगली जगह है संसद भवन। यह भारत के सबसे सुंदर वास्तुशिल्प सरकार का कार्यालय स्थित है। संसद भवन के आसपास आपका हरे भरे पेड़ पौधे से बना हुआ गार्डन देख सकते हैं। संसद भवन में सभी 12 द्वार हैं, सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहता है। अब अगली जगह है लोधी गार्डन। लोधी पार्क नई दिल्ली के मुख्य आकर्षणों में से एक है।
अगर आप कलाकार हैं, तो आपके के लिए अच्छा है क्योंकि आप वहां स्केचिंग कर सकते हैं और खूबसूरत तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं। यह लवर स्पॉट भी है। यह पार्क घूमने और अपन के दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के लिए एक अच्छा जगह है और यह मुफ्त है। आपको इस पार्क में जाने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। अब अगली जगह है अक्षरधाम। यह दिल्ली के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थलों में से एक है। इस मंदिर के वास्तुकला, उत्कृष्ट नक्काशी और नए युग के मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक हिंदू धर्म के समुदाय को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर को विश्व स्तर पर सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। अब अगली जगह है फिरोज शाह कोटला किला। यह एक बहुत पुराना किला है जिसे 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। यहाँ सम्राट अशोक के समय का एक मौर्य काल का स्तंभ भी है। किले की दीवारें 15 मीटर ऊंची है। यहाँ आप ITO मेट्रो स्टेशन से पैदल जा सके हैं। इस किले में जाने के लिए शुल्क देना पड़ता है। अब अगली जगह है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद नई दिल्ली के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यह मस्जिद वाकई में बहुत सुंदर है। वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ मुगल के शासन काल के समय बनाया गया था। इस मस्जिद में बहुत ही सुंदर वास्तुकला देखने को मिलती है। यह लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाई गई है। इनकी दोनों मीनार की 40 मीटर ऊंच आई है। पुरानी दिल्ली के केंद्र में स्थित है। अब अगली जगह है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के प्रसिद्ध है पर्यटक स्थलों में से एक है। यह मुगल वास्तुकला पर आधारित एक मकबरा है। यह मकबरा पुराने किले के समीप स्थित है। इस मकबरे का निर्माण हुमायूं के पुत्र सम्राट अकबर ने 1570 ईस्वी में करवाया था। यह मकबरा ताजमहल के जैसा दिखता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। अब अगली जगह है राजों की बावली। यह दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क में एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध बावड़ी है जिसे 1506 में दौलत खान द्वारा बनाया गया था। इसके आसपास के जंगल में शीतलन कक्ष बनाया गया है जो थके हुए यात्रियों के लिए एक आरामदायक वातावरण प्रदान करता है। अब अगली जगह है इस्कॉन मंदिर दिल्ली। यह मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इस मंदिर की वास्तुकला सुंदर और विशाल है। यह मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है। यहाँ का वातावरण शांत और सुखदायक है। यह मंदिर दोपहर 1 बजे बंद हो जाता है और शाम 4 बजे फिर से खुलता है। अब अगली जगह है नेहरू तारामंडल। अगर आप भूगोल में रुचि रखते हैं, तो आप इस जगह पर जा सकते हैं। यह एक ऐसा भवन है जहां पर ब्रह्मांड, तारे, सितारे और खगोलीय घटनाओं के बारे में जानकारी दिया जाता है। यहां पर जाने का के लिए आपको शुल्क देना अनिवार्य है। अब अगली जगह है हौस खास फोर्ट। हौस खास किला या भारत के प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इस किला को 1284 में अलाउद्दीन खिलजी में बनवाया था। किले में कई संरचनाएं हैं, ज्यादातर तुगलक वंश के दौरान के हैं। यह दक्षिणी दिल्ली का पौश रिहायशी इलाका में स्थित है। इसके किला में जाने के लिए भारतीयों को 25 रूपए और विदेशी पर्यटकों को 200 रूपए प्रति व्यक्ति देना अनिवार्य है। अब अगली जगह है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। यह संग्रहालय भारतीय रेल का सबसे बड़ा संग्रहालय है जो कि लगभग 166 वर्ष पुराना बताया जाता है। इस संग्रहालय का क्षेत्रफल लगभग 11 एकड़ में फैला हुआ है। इस संग्रहालय के अंदर भारतीय रेल परिवहन से जुड़ी जानकारी मिलेगी। यह जगह ट्रेन प्रेमियों के लिए यह एक अच्छी जगह है। यहाँ आप ट्रेन के इतिहास के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। इस संग्रहालय में घूमने के लिए टिकट का शुल्क लिया जाता है। अब अगली जगह है पुराना किला। यह हर एक ऐतिहासिक किला है जो कि दिल्ली के यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीनापनाह नगर का आंतरिक है। इस किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह किला प्राचीन मुगल वास्तुकला के ऐतिहासिक दृश्य का प्रतिनिधित्व करता है।
यह जगह दिल्ली चिड़ियाघर के बगल में स्थित है। यहाँ घूमने के लिए प्रवेश शुल्क लिया जाता है। अब अगली जगह है गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब। यह गुरुद्वारा दिल्ली में घूमने वाली सबसे प्रसिद्ध जगह में से एक है। यह जगह खासकर सिख धर्म के समुदाय के लिए बना है। यह मध्य दिल्ली में स्थित यह कनॉट प्लेस के बहुत करीब है। यह पवित्र स्थान बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण है। इस जगह पर फोटो खींचने की अनुमति नहीं है, लेकिन हाँ आप चाहें तो छोटी तस्वीरें ले सकते हैं। यहाँ पर लंगर चलता है जहाँ पर स्वादिष्ट और ताज़ा भोजन खाने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर एक रसोई, एक पवित्र तालाब, एक स्कूल और एक आर्ट गैलरी है। अब अगली जगह है राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी। यह एक भारत का ऐसा संग्रहालय है जहां हाथ से बना हुआ बहुत से ऐसे सामग्री देखने को मिल जाएगी जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक बहुत अच्छा संग्रहालय है जिसमें मानव जीवन को दर्शाया है। अब अगली जगह है कुतुब मीनार। यह न ये दिल्ली के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यह दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित है, जो ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। यह सन 1192 में बनाया गया था, जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल है। अब अगली जगह है अरुण जेटली स्टेडियम। यह बहुत अधिक बैठने की क्षमता वाला एक बहुत बड़ा स्टेडियम है। सको 1883 में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के रूप में स्थापित किया गया था। फिर इस स्टेडियम का नाम भारतीय राज्य नेता के नाम पर रखा गया है। अगर आप स्टेडियम देखना चाहते हैं तो यहां आ सकते हैं। अब अगली जगह है शांतिवन। शांतिवन दिल्ली के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। यह महात्मा गांधी मार्ग पर यमुना नदी के किनारे मुख्य रिंग रोड पर स्थित है। यहाँ आपको 52.6 एकड़ में हरे भरे बहुत से पेड़ पौधे देखने को मिल जाएगी। अगर आप शांति महसूस करना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। अब अगली जगह है श्री हनुमान मंदिर। श्री हनुमान मंदिर दिल्ली के प्रसिद्ध प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को महाभारत काल की बताई जाती है। यह नई दिल्ली के हृदय कनॉट प्लेस में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित है। यह मंदिर को बहुत से बॉलीवुड फिल्म में भी दिखाया गया है। अब अगली जगह है पांच इंद्रियों का बगीचा। यह एक दिल्ली का बहुत ही सुंदर उद्यान है। इस पार्क को गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें अंदर जाने के लिए शुल्क देना पड़ता है। इसके अंदर खाने पीने के स्टॉल लगाए गए हैं। इस पार्क को घूमने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं। यह पार्क यह 20 एकड़ में फैला हुआ है। अब अगली जगह है चांदनी चौक। यह दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध बाजारों में से एक है। इस बाजार में शादी के कपड़ों के साथ साथ जहां से आप इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, मोती बाजार से मोतियों की शॉपिंग, खारी बावली से मसालों की खरीदारी कर सकते हैं। यह बाजार न केवल भारत ही बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहते हैं सस्ते में तो यहाँ जा सके हैं। अब अगली जगह है इंद्रप्रस्थ पार्क। यह दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध पार्क में एक सुंदर सा पार्क है। इस पार्क को मिलेनियम पार्क के नाम से भी जानते हैं। यह पार्क पूर्वी दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर स्थित है। यह पार्क 85 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पार्क के अंदर एक शांति स्तूप बनाया गया है। इस पार्क में आते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। अब अगली जगह है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। यह नई दिल्ली का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जो 176 एकड़ में फैला हुआ है। इस चिड़ियाघर में लगभग 1350 प्रकार के भरके जानवरों और पक्षियों की लगभग 130 प्रजातियों हैं। यह दिल्ली के मथुरा रोड पर स्थित है। अगर आप चिड़ियाघर घूमना पसंद करते हैं तो यहां जा सकते हैं। अब अगली जगह है श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर। यह दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। इस मंदिर
को छतरपुर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। यह मंदिर मुख्य रूप से माता दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अब अगली जगह है सिटी वॉक मॉल। यह दिल्ली की सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से एक है। यहाँ सभी प्रसिद्ध ब्रांड उपलब्ध हैं। घू मने के लिए एक अच्छी जगह है। इस मॉल में 175 से अधिक ब्रांडों का दुकान है। अब अगली जगह है मेट्रो संग्रहालय। यह भारत के मेट्रो के बारे जानकारी के लिए सबसे अच्छी जगह है। यह संग्रहालय पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। इसमें दिल्ली मेट्रो के इतिहास को दिखाता है, जैसे इसका निर्माण, योजना कैसे बनी और ट्रेनों, पटरियों, सिग्नलिंग सिस्टम इत्यादि के बारे में दिखाया गया है। अब अगली जगह है अग्रसेन की बावली। अग्रसेन बावली दिल्ली का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह एक प्राचीन कुआं है जिसे अग्रसेन ने बनाया था, इसलिए यह अग्रसेन की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। यह कुआं जंतर मंतर के पास हैली रोड पर स्थित है। इस बावड़ी में जाने के लिए 108 सीढ़ियां बनाई गई है। अब अगली जगह है इंदिरा गांधी स्मारक संग्रहालय। यह एक दिल्ली का बहुत बड़ा संग्रहालय है जो दिल्ली के सफदरगंज रोड पर स्थित है। यह जगह पर पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहा करती थी, बाद में इसे संग्रहालय बना दिया गया। अगर आपके यहाँ जाते हैं तो नेहरू गांधी पर रिवार से जुड़ी बहुत से जानकारी आपको प्राप्त होगी। अब अगली जगह है गांधी स्मृति संग्रहालय। गांधी स्मृति संग्रहालय दिल्ली का प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। इस संग्रहालय को पहले बिड़ला हाउस बोला जाता था, क्योंकि यह वह स्थान है जहां पर महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम समय में 144 दिन यहीं पर बित आए थे। इस संग्रहालय में जाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यह संग्रहालय सोमवार को छोड़कर बाकी सभी दिन खुला रहता है। अब अगली जगह है सफदरजंग मकबरा। यह दिल्ली के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। यह दिल्ली का बहुत ही प्राचीन इमारत है जिसे सफदरगंज का मकबरा कहा जाता है। यह मकबरा बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। मकबरे का आगे का भाग ताजमहल के तर्ज पर बनाया गया है। मकबरे के चारों तरफ फुहारे लगाया गया है जो देखने में बहुत आकर्षक लगता है। यह मकबरा दिल्ली रेस क्लब के समीप स्थित है। अब अगली जगह है एम्बियंस मॉल। एम्बियंस मॉल गुड़गांव के सबसे बड़े मॉल में से एक है। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहां जा सकते हैं। इसमें रिलायंस ट्रेंड्स से लेकर मसाबा तक कई तरह के स्टोर हैं। यह मॉल भी 4 मंजिल का है। अब अगली जगह है खिड़की मस्जिद। खिड़की मस्जिद दिल्ली के सबसे पुराने मस्जिद में से एक है। यह मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री खाने इजहान जुनैन शाह ने 14वीं सदी में किया गया था। यह मस्जिद 2 मंजिला है। इस मस्जिद की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। अब अगली जगह है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। यह भारत शहीद सैनिक के याद में बनाया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को 2019 में उद्घाटन किया गया था। इस भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया था। इसे अमर जवान ज्योति के नाम से भी जानते हैं। इसके आसपास का वातावरण बहुत ही शांत है। पर्यटक लोग यहां आते हैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं। अब अगली जगह है भ्रम का संग्रहालय। यह संग्रहालय दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित है। यह भारत का पहला एक माया संग्रहालय है। यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं वो भ्रमजाल ऐसा फंस कर दिमाग की बत्ती जला देता है। यहाँ पर 3D पेंटिंग बनाई गई है जिसे देखते ही ओरिजिनल लगेगा। यह जगह फोटोग्राफी के लिए सबसे है। अब अगली जगह है श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर भारत का सबसे पुराने जैन मंदिर में से एक है। मंदिर का निर्माण सन 1526 में किया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। यह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। यह दिल्ली के नेताजी सुभाष मार्ग पर लाल किले के सामने स्थित है। अब अगली जगह है
वायु सेना संग्रहालय। यहाँ भारतीय वायु सेना से जुड़ी बहुत से जानकारी रखी हुई है। यह एक बहुत बड़ा संग्रहालय है जो भारतीय वायु सेना के इतिहास को बताता है। अगर आप हवाई जहाजों, वायु सेना और हमारे सशस्त्र बलों के कर्मियों से जुड़ी जानकारी में रुचि रखते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। यह नई दिल्ली के पालम नमक जगह पर स्थित है। इस संग्रहालय में जाने का 30 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क लगता है। अब अगली जगह है श्री कालका जी मंदिर। कालका जी मंदिर दिल्ली का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर मुख्य रूप से माता काली को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि भक्त लोग जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं माता काली पूरी करती है। यह मंदिर प्राचीन है जिसका निर्माण मराठाओं द्वारा सन 1764 ईस्वी में किया गया था। हर रविवार को यह बहुत भीड़ रहती है। यह मंदिर मेट्रो स्टेशन माँ आनंदमयी मार्ग के पास स्थित है। अब अगली जगह है तुगलकाबाद किला। तुगलकाबाद किला दिल्ली के प्राचीन किले में से एक है। इस किले का निर्माण तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 में करवाया था। यह दोस्तों और परिवार के साथ घूमने के लिए अच्छी जगह है। अगर आप ऐतिहासिक चीजें में रुचि रखते हैं तो यहां जा सकते हैं। इस किले में जाने के लिए 25 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट शुल्क है। अब अगली जगह है राजघाट। राजघाट दिल्ली के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में एक है। यह स्मारक महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। यह एक पार्क की तरह है। अगर आप महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, यहाँ कुछ समय शांत से बिताना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अच्छी जगह है। इस जगह जाने का कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। अब अगली जगह है महरौली पुरातत्व पार्क जमाली कमाली। यह दिल्ली के ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों में से एक है। यह बहुत बड़ा पार्क है जो 200 एकड़ में फैला हुआ है। यह कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के सामने स्थित है। इस पर में एक दिल्ली का सबसे पुराना मौजूदा किला लाल कोट का खंडहर स्थित है। यह जगह फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। अब अगली जगह है सिकंदर लोदी मकबरा। सिकंदर लोदी मकबरा दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों में एक मुख्य आकर्षण है। यह एक मकबरा है जो सिकंदर लोदी का बताया जाता है। इस मकबरा को सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी ने 1517 से 1518 ईस्वी में बनाया था। यह दिल्ली के लोधी गार्डन में स्थित है। इस मकबरे पर मुगल वास्तुकला को देख सकते हैं जो बहुत अच्छा लगता है। अब अगली जगह है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। यह कला प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी जगह है। इसकी स्थापना सन 1985 में की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में पुरातत्व से लेकर नृत्य और मानव विज्ञान से लेकर छायाचित्रण तक की चीजें देखने को मिल जाएगी। अगर आप कला के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां जा सकते हैं। अब अगली जगह है उत्तरा स्वामीमलाई मंदिर। उत्तरा स्वामीमलाई मंदिर दिल्ली के प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक है। यह पटेल मार्ग पर रामा कृष्णापुरम में स्थित है। यह एक दक्षिण भारतीय मंदिर है। यह मंदिर भगवान स्वामीनाथ को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर का वातावरण बहुत ही सुंदर और शांत रहता है। अब अगली जगह है ईसा खान का मकबरा। ईसा खान का मकबरा दिल्ली के प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों में से एक है। यह मकबरा दिल्ली के मथुरा रोड पर स्थित है। इस परिसर में जाने के लिए शुल्क देना पड़ता है। यह मकबरा लाल बलुआ पत्थर से 16वीं सदी में बनाई गई थी। इस मकबरा का वास्तुकला बहुत सुंदर है। अब अगली जगह है बुद्ध जयंती पार्क। बुद्ध जयंती पार्क दिल्ली के सबसे सुंदर पार्क में से एक है। यह पार्क बहुत ही शांत और सुंदर है। इस पार्क के अंदर बैठने के लिए कुर्सी और व्यायाम करने के लिए मशीन लगाई गई है। यह फोटो शूट के लिए अच्छी जगह है। इस पार्क में भगवान बुद्ध की मूर्ति बना गई है जो कांच से ढकी हुई है। यदि आप वास्तव में परिवार या दोस्तों के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहते हैं, यहां जा सकते हैं। यह दिल्ली के वंदे मातरम मार्ग पर स्थित है। अब अगली जगह है
जफर महल। जफर महल दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों के मुख्य आकर्षण में से एक मुगल कालीन महल है। इस महल को बहादुर शाह जफर ने बनाया था, इसलिए इस महल का नाम जफर महल पड़ा। यह दिल्ली के कालका दास मार्ग पर महरौली में स्थित है। इस महल को लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है, जिसका विशाल मुख्य द्वार बहुत ही आकर्षक लगता है। अब अगली जगह है असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य दिल्ली हरियाणा सीमा पर स्थित है। इस वन्यजीव अभयारण्य में आप सियार, तेंदुआ, हिरण, जंगली बिल्लियां, छिपकली, बंदर, मोर और पक्षियों की कई विभिन्न किस्मों जैसे जानवर देख सकते हैं। अगर आप प्रकृति को महसूस करना चाहते हैं तो यहां जा सकते हैं। इस अभयारण्य का टिकट शुल्क 10 रुपए पर व्यक्ति है। अब अगली जगह है हौस खास कॉम्प्लेक्स। यह दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों में से एक मुगल कालीन महल है। इसका निर्माण अलाउद्दीन की लजी ने 13वीं शताब्दी में किया गया था। यह दिल्ली में घूमने और दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए अच्छी जगह है। इस मकबरे में आप मुगल कालीन वास्तुकला को देख सकते हैं। अब अगली जगह है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। यह दिल्ली सबसे बड़े संग्रहालय में से एक है। अगर आप विज्ञान में रुचि रखते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पर आपको बहुत से ऐसी चीजें देखने को मिल जाएगी जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। इस परिसर में जाने के लिए शुल्क देना पड़ता है। यहाँ आप दोस्तों और परिवार के लिए अच्छी जगह है। अब अगली जगह है फतेहपुरी मस्जिद। यह बहुत ही प्राचीन मस्जिद है, जिसका निर्माण शाहजहां की पत्नी फतेहपुरी बेगम ने 1650 में करवाया था, इसलिए इस मस्जिद का नाम फतेहपुरी मस्जिद पड़ा। यह दिल्ली में चांदनी चौक पुरानी सड़क के पश्चिमी छोर पर स्थित है। मस्जिद का वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। अब अगली जगह है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा दिल्ली के प्रसिद्ध प्राचीन ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों में से विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। इस दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खलजी ने 1311 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से कराया था, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अब अगली जगह है किला राय पिथौरा। किला दिल्ली। यह दिल्ली से मुख्य ऐतिहासिक आकर्षण में से एक किला है। यह किला 11वीं शताब्दी की बताई जाती है, जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किया था। यह जगह दोस्तों और परिवार के लिए अच्छा है। अगर आप फोटो शूट कराना चाहते हैं तो यहां जा सकते हैं।